मम्मी जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसी मावा मलाई कुल्फी। इसे बनाने के बाद यकीन मानिए आप कभी भी इसे मार्केट से लाना पसंद नहीं करेंगे। आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाने के बाद अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। मावा मलाई कुल्फी बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। इसके अंदर 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हमें अच्छे से उबाल लेना है। दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ गया। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम जितनी शक्कर ऐड करेंगे। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर डालेंगे। इससे कुल्फ़ी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। ये मैंने 4 टेबल स्पून मलाई ली है, दूध के ऊपर की मलाई है, ये डालेंगे। बराबर से मिला लें। और किनारों पर जो दूध छोटा हो उसे भी छुड़ा लें। ये मैंने 100 ग्राम मावा लिया, ये डालेंगे। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और लगभग 8-10 मिनट तक दूध गाढ़ा होने तक इसको बॉईल करेंगे। गैस का फ्लेम आप स्लो ही रखें। दूध को हमने 8-10 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको और उबाल लेंगे ताकि इलायची का सारा फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए। इस कुल्फ़ी को खाने के बाद आप अमूल की या दूसरी कुल्फ़ी लाना भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये कुल्फ़ी का बेस भी है, इससे आप कई तरह की कुल्फ़ी बना सकते हैं। मैंगो कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी, बादाम कुल्फ़ी, कस्टर्ड कुल्फ़ी, बहुत सारी फ्लेवर की कुल्फ़ी बना सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। आपको ध्यान रखना है गरम गरम में बिल्कुल भी मोल्ड में नहीं भरना है, नहीं तो इसके अंदर बर्फ़ की कणी जम जाएगी और मार्केट जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। बीच बीच में आप इसको इस तरह से चलाते रहें ताकि इसके अंदर जो मलाई है वो जमे नहीं। मावा मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं है। आप इस तरह से छू के देखें। आज हम मावा मलाई कुल्फ़ी को बिना मोल्ड के बनाएंगे। ये देखिए डिस्पोजल कप है, आप चाहें तो छोटे गिलास भी ले सकते हैं। कुल्फ़ी का मिश्रण इसके अंदर भरेंगे। सारी कुल्फ़ी के मिक्सर को हमने कप में भर लिया। लगभग 13 कुल्फ़ी बनी है। अब हम इस कप को एल्युमिनियम फॉइल से रैप करेंगे। इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगा के कवर कर दें ताकि इसके अंदर बर्फ़ की कणी ना जमे। बीच में होल करेंगे और कुल्फ़ी स्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं हो तो आप इस तरह का कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, इससे भी इस तरह से कवर कर दें। एक रबर बैंड लगा दें या फिर डोरे से लपेट दें। इसके बीच में भी होल करेंगे और कुल्फ़ी स्टिक को इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास कुल्फ़ी स्टिक नहीं हो तो आप इस तरह का कोई भी चम्मच ले लें, उसको भी इसके अंदर डाल दें। सारी कुल्फियों को हमने इस तरह से ग्लास में भर लिया और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल और पॉलीथीन की थैली को रैप कर लिया। इसके अंदर हमने इस तरह से स्टिक भी डाल दिए। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रखेंगे। पूरी तरीके से सेट होने के लिए कम से कम 7-8 घंटे ज़रूरी है। 7-8 घंटे बाद सारी कुल्फियों को हमने फ्रीजर में से निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट हो गई है। ये हमने 1 कप के अंदर पानी लिया। कुल्फ़ी वाले कप को इस पानी में डालेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे करें, कुल्फ़ी के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए।
दो तीन बार करें। अब स्टिक को इस तरह से घुमा घुमा के कुल्फ़ी को कप के अंदर से डीमोल्ड कर लें। ये देखिए कितनी दानेदार और बढ़िया सी मावा मलाई कुल्फ़ी तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसी तरीके से हमने सारी कुल्फियों को निकाल लिया है। ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। तो आप भी इन कुल्फियों को एक बार तो ज़रूर बनाएं। बनाने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।